इस वक्त स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो फरीदाबाद के सदपुरा इलाके की हैं। यहां आज ऑयल ट्रेडिंग कंपनी पर छापेमारी की गई। कंपनी का नाम सावित्री ऑयल ट्रेडिंग कंपनी है, जहां पर आज सीएम फ्लाइंग स्क्वायर की टीम पहुंची और ट्रेडिंग कंपनी में पैकिंग किए जाने वाले तेलों के सैंपल लिए। सुनिए गोदाम के मालिक ने क्या कुछ कहा। मामला क्या सैंपलिंग हो रही है बस, और क्या ये बात है? किस चीज की सैंपलिंग? मस्टर्ड ऑयल की, रिफाइंड की, और कुछ नहीं है। अच्छा, काफी ब्रांड पाए गए हैं? ब्रांड मेरे सब जेन्युइन है, अपने एड्रेस पे है, और कुछ नहीं। कहाँ से आता था तेल? किस तेल सब ट्रेडिंग करता हूँ मैं। कहाँ से आता था तेल? पंजाब से, भिवानी से, ये स्टेशन है हमारे, सब तेल मंगाते प्योर भरते। छापेमारी कौन सी जगह पे हुई है? सतपुरा। लेवल पे कौन सा नाम है? सावित्री ट्रेडिंग कंपनी सतपुरा का एड्रेस है मेरे पास। अच्छा, तो लेवल पे तो सरा नहीं, मेरा एड्रेस है भैया, एड्रेस है, मैंने दिखा दिया साहब को। अच्छा, हाँ सेंटर किया मैंने, जाने हाँ क्यों जी, आपको मैं एड्रेस कमी पर आऊंगा, यही एड्रेस है मेरा। सैंपल लेने के बाद सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीम के अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिल रही थी कि यहां पर ऑयल पैकिंग की जाती है। इसी आधार पर उन्होंने आज स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ छापेमारी करते हुए तेलों के सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं सीएम फ्लाइंग स्क्वाड टीम के ACP राजेश चेची ने बताया कि जिस कंपनी में ऑयल पैकिंग की जा रही थी उस कंपनी का लाइसेंस उस स्थान का नहीं था जहां पर ऑयल की पैकिंग की जा रही थी। वहीं उन्होंने बताया कि ये कंपनी मालिक बड़ी मात्रा में पंजाब और हरियाणा से तेल लाकर यहां पैकिंग कर रहा था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। ये एक सावित्री ट्रेडिंग कंपनी है, यहां तिगांव रोड पे, फरीदपुर के बाद सतपुरा के पहले। तो एक सूचना मिली थी गुप्त, तो उस पर हमारी टीम आई थी यहाँ पे, डॉक्टर साहब को साथ लेके जो फूड सेफ्टी अफसर है उनको, तो जो बिल और वो सब चेक किए गए हैं तो बाकायदा GST वाले बिल, वो एम्बेजलमेंट पाई नहीं गई है। तो ये इनका जो अभी सैंपल डॉक्टर साहब ने भरे हैं, यहाँ पे तीन तरह के ब्रांड, मतलब राइस ब्रांड ऑयल है, तिल का तेल है और सरसों का तेल है, जिसकी ये पैकिंग करके ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे। यहाँ तेल बनता नहीं है, ये तेल बल्क में खरीदते हैं और उसको पैक करके आगे बेचते हैं। तो उसमें वो सैंपल भरे जा रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर साहब सैंपल भेजेंगे लैब में, आगे जो भी रिपोर्ट आएगी कार्रवाई होगी। बहरहाल सीएम फ्लाइंग स्क्वायर की टीम ने छापेमारी करके सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। सैंपल की जांच के बाद ही पता चलेगा कि सैंपल में कुछ गड़बड़ था या नहीं। अगर गड़बड़ निकलती है तो क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, या आने वाला वक्त ही बताएगा। सत्य खबर के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।